स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जुबिलेंट क्लासेस एंड यू आर स्टडिंग बायोलॉजी विद अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टडी करते हैं कि यूरिन बनता है वो कैसे कंसंट्रेटेड होता जाता है, वो आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। तो हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की, फिल्ट्रेट जो है बनता है उसकी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती जाती है, हाउ डज इट गेट्स कंसंट्रेटेड। चलिए वो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था कि भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के, उसके अंदर कंसंट्रेशन कैसे कैसे चेंज होती जाती है। तो देखिए पीसीटी में कैसा था, हाइपो आइसोटोनिक, और डिसेंडिंग लूप में था ये हाइपरटोनिक, और यहाँ था असेंडिंग में हाइपोटोनिक, और यहाँ था आइसोटोनिक, और यहाँ था हाइपरटोनिक। इट्स क्लियर, इट में ये कलेक्टिंग ट्यूब है और यहाँ जो आ रहा है हमारा फिल्ट्रेट वो कैसा है, हाइपरटोनिक। इट मींस जो हमारा जो यूरिन आएगा वो कैसा है, हाइपरटोनिक। ठीक है, इट मींस जो हमारा यूरिन है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक। अब जो हमारा यूरिन है वो हाइपरटोनिक कैसे बनता है, उस मैकेनिज्म को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, और वो मैकेनिज्म हमारा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या है तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए इसमें हम देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है और ये है क्या। देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व, किस किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है यूरिया को कंसंट्रेट करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिया, इट इज द स्पेशल मैकेनिज्म। आप नोट्स बना लीजिए बेटा, फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिया, यूरिन, यूरिन। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बीच बीच में साथ साथ टॉपिक के हम नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम साथ साथ लेंगे, तो सबसे पहले आप इसका ध्यान रखें और इनको नोट भी कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि किडनी के अंदर तो स्पेशल मैकेनिज्म क्या होता है यूरिया को कंसंट्रेट करने के लिए। वो जनरली हम लोग नेफ्रॉन, फिल्ट्रेशन ये सब बताते हैं, लेकिन वो नहीं है। वो स्पेशल मैकेनिज्म होता है, वो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की, वो है कि भी जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है किस पर डिपेंड करता है, दिस मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस किस पर डिपेंड करता है, देन इट डिपेंड्स अपॉन, दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन भाई किस किस पर डिपेंड करता है, नेफ्रॉन के किस किस पार्ट पर ये डिपेंड करता है, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आता है, देखिए ये यहां से कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है, तो यहां हम बोलेंगे नंबर एक पर तो लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले। सेकंड पार्ट है वासारेक्टा, वासारेक्टा लूप ऑफ हेनले। सेकंड क्या है, वासारेक्टा। थर्ड क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो क्या क्या आया, देखिए किस किस पार्ट पर डिपेंड करता है, लूप ऑफ हेनले, वासारेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट, एंड ये जो बाहर फ्लूड है इस फ्लूड पर इसको कहते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूड। तो एक क्वेश्चन ये था, किस किस पार्ट पर डिपेंड करता है बेटा, देखिए लूप ऑफ हेनले आपको पता है, आपने स्टडी किया है। सेकेंड किस पर डिपेंड करता है, वासारेक्टा, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज अलोंग विद लूप ऑफ हेनले, इसके साथ रहती है ये वासारेक्टा। उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट इस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूड, जिस फ्लूड के अंदर ये अपने नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं उस फ्लूड पर भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो यूरिन बनता है, तो यूरिन फिल्ट्रेट की हेल्प से बनता है, तो जो फिल्ट्रेट जो फ्लो करता है लूप ऑफ हेनले के अंदर वो किस पर डिपेंड करता है,
कैसे कैसे मूव करता है, एक बार नीचे की तरफ एक बार ऊपर की तरफ। तो हम ये बोलेंगे कि अपोजिट साइड में जो है ना इनका फ्लो होता है दोनों लूप्स में। ठीक है, क्या बताया मैंने, फिल्ट्रेट फ्लो करता है, एक बार देखिए यहां नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग में ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे यूं। ठीक है, तो फ्लो फिल्ट्रेट फ्लोस, फिल्ट्रेट फ्लोस इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड इट फॉर्म्स दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड फॉर्म्स काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस कारण से यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए एक बार नीचे की तरफ और दूसरी बार में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये काउंटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, कैसे फ्लो हो रहा है, काउंटर फ्लो हो रहा है। सेम ऐसे ही अब जैसे ब्लड की बात करते हैं, देखिए यहां तो फिल्ट्रेट चल रहा है, ये तो क्या है, हमने बताया कि फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ हम इसको ना वासर एक्टा कहते हैं, तो वासर एक्टा है, इसके अंदर ब्लड का भी जो है फ्लो कैसे है, अपोजिट है। ठीक है, देखिए इसमें भी वासर एक्टा में भी एक बार नीचे की तरफ और एक बार क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हम यहां बताएंगे फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑल्सो, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड है वो भी कैसा हो रहा है, असेंडिंग ये वाला एंड डिसेंडिंग कैपिलरी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ ब्लड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्लड कैपिलरीज ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखिए एक बार नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, तो क्या हो रहा है, अपोजिट साइड में डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा है। इस प्रकार से ये क्या बनाता है, ये भी क्या बनाता है, काउंटर करंट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स काउंटर करंट, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स काउंटर करंट। तो यहां पर भी काउंटर करंट चल रहा है, यहां पर भी काउंटर करंट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जो लूप ऑफ हेनले है उसके बीच में और जो वासर एक्टा है उसके बीच में प्रोक्सिमिटी होती है। तो हम बोलेंगे बच्चों कि प्रोक्सिमिटी इन बिटवीन वासर एक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में जो प्रोक्सिमिटी बन बच गई है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, देखिए प्रोक्सिमिटी और थर्ड चीज क्या बताइए, काउंटर करंट जो अभी बना है, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, क्या मेंटेन करते हैं, ऑस्मोलैरिटी, मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी, और वो भी किधर, टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड, जो हमारा ये जो देखिए
इनर मेडुलर रीजन है, इसके अंदर जो ये बाहर फ्लूड है इसको इंटरस्टीशियल फ्लूड कहते हैं, इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज करता है। कितना? फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, क्या है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन करता है। देखिए फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कहाँ है ये? ये है कोर्टेक्स रीजन में, ठीक है, ये कहाँ मेंटेन करता है? ये तो कर दिया इसने कोर्टेक्स में, ठीक है, और 300 से बढ़ा करके कोर्टेक्स में कितना बताया भाई हमने? 300। कोर्टेक्स रीजन में कितना बताया हमने? यहां पर 300 मिली ऑस्मोल। तो ये तो कहां मेंटेन किया? देखिए कोर्टेक्स रीजन में, ठीक है, ये तो कहां मेंटेन किया है? कोर्टेक्स रीजन में मेंटेन किया है। हम यहां लिख देते हैं इसके अंदर इसकी बात है, तो हमने बोल दिया 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये तो कोर्टेक्स रीजन में इतना था, और यहां से बढ़ा करके और इनर मेडुला में कितना कर देता है ये? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इतना इंक्रीज ये ऑस्मोलैरिटी को कर देता है। ये देखिए ये तो कहां था? 300 कोर्टेक्स में, और ये कहां कर देता है? इनर मेडुला रीजन में, इनर मेडुला पार्ट में, इतना जो है ऑस्मोलैरिटी ये इंक्रीज कर देता है। कितना बताया? दोबारा से देखिए कि ये तीनों मिलकर के 300 से और यहां पर कितना 1200 कर देते हैं भाई। कितना बताया अभी? 1200 मिली ऑस्मोल इंक्रीज कर देते हैं ये, 1200 मिली ऑस्मोल और पर लीटर, ठीक है, इतनी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देख हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी के लिए जो ग्रेडियंट बनता है, ये ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? तो दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय दो चीजें, एंड एसीएल, ये जो ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है ऑस्मोलैरिटी के लिए कौन है भाई? एक तो NaCl और दूसरा क्या है? यूरिया। तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने के लिए क्या हो गया? NaCl और यूरिया, ठीक है। अब आप लोगों को यहां देखना है, देखिए यहां पर जो NaCl है, देखिए वो असेंडिंग लूप की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, अगर हम असेंडिंग लूप की बात करें, ठीक, तो क्या है कि एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, किसके साथ में? विद डिसेंडिंग लूप ऑफ वासर एक्टा। दोबारा से सुनिए कि असेंडिंग तो क्या बताया है? असेंडिंग तो लूप ऑफ लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्या कहा बेटा? देखिए यहां असेंडिंग पार्ट है, यहां से तो NaCl जो है ट्रांसपोर्ट हुआ है, कहां आया वो? इस इंटरस्टीशियल फ्लूड में आया, इंटरस्टीशियल, ठीक, और इस इंटरस्टीशियल फ्लूड से किस में चला गया वो? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, कहां चला गया? डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। दोबारा से सुनिए क्या बताया है हमने कि सर असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl ट्रांसपोर्ट हुआ, ये कहां आया पहले तो? इंटरस्टीशियल फ्लूड में, और इंटरस्टीशियल फ्लूड से फिर कहां गया वो? इस वासर एक्टा के डिसेंडिंग लिंब में, डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासर एक्टा, तो वासर एक्टा के डिसेंडिंग लिंब के अंदर ये NaCl एंटर कर गया है थ्रू द इंटरस्टीशियल फ्लूड,
ऐसे NaCl का यहां ट्रांसपोर्ट हुआ है। और फिर क्या हुआ, देखिए घूमते हुए ये डिसेंडिंग लिंब से डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा से कहां आया, ये देखिए अब एसेंडिंग में आया है, कहां ये एसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा असेंडिंग पार्ट में आया, तो फिर एक्सचेंज हो गया है, तो फिर कहां गए ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टीशियल फ्लूइड से फिर कहां गया ये, ठीक है, फिर दोबारा से डिसेंडिंग पार्ट है कैपिलरी का वासा रेक्टा की कैपिलरी का, उसके अंदर फिर से वो एंटर कर गया है। इस प्रकार से सेम यहां पर हम बताएंगे कि कुछ यूरिया है वो भी एंटर करता, देखिए यहां पर कलेक्टिंग पार्ट से कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया है, वही सेम ऐसे इंटरस्टीशियल फ्लूइड में आया, और इंटरस्टीशियल फ्लूइड से कहां गया वो, फिर यहां पर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इस प्रकार से यूरिया का यहां पर एंट्री हो गया है लूप ऑफ हेनले में, और फिर दोबारा से वो इंटरस्टीशियल फ्लूइड में, और फिर दोबारा से कलेक्टिंग डक्ट में, तो इस प्रकार से इनका सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है। तीन चीज मिलकर के यहां पर कंटिन्यू हो रहा है, देखिए लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा और कलेक्टिंग डक्ट, और एक बीच में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मिडल मैन, वो है इंटरस्टीशियल फ्लूइड। जितने भी हमने इनका सर्कुलेशन बताया सारे सारे नीट के क्वेश्चन में बेटा, कि भाई वासा रेक्टा है वो इसके साथ पैरेलल में होता है, वो एक्सचेंज करता है NaCl को वाटर को, यूरिया किस पार्ट में एक्सचेंज होता है, देखिए एक क्वेश्चन ये है नीट का कि भाई यूरिया किस पार्ट से एक्सचेंज होता है ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर किस पार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है, NaCl किस पार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है, और यहां पर एक मिडल मैन की तरह काम करने वाला फ्लूइड क्या है। ये 5-6 ऑब्जेक्टिव नीट के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, और इनको आप लोग जो रजिस्टर में लिख लेंगे मेंटेन कर लेंगे अपने नोट्स बना लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड्स की हेल्प से इजी एब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर का, ठीक है, तो इंटरस्टीशियल फ्लूइड्स की हेल्प से स्टीशियल फ्लूइड्स helps in easy absorption of easy absorption of water, ठीक है, कहां से, from filtrate in the collecting duct, from फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट है उससे इजीली वाटर को, देखो यहां से इंटरस्टीशियल फ्लूइड है ये वाटर को अब्सॉर्ब आसानी से कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो, देखिए वाटर तो यहां से अब्सॉर्ब हो गया है और यूरिन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इस प्रकार से यूरिन गैट्स कंसंट्रेटेड, क्योंकि वाटर तो इसके अंदर से बाहर आ गया है, ठीक है, और यूरिन कैसा होता चला गया है, अब कंसंट्रेटेड होता चला गया है, गैट्स कंसंट्रेटेड, ओके। इस प्रकार से जो ह्यूमन की किडनी है वो 4 times कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है देन इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी है कि ह्यूमन किडनी कैन कंसंट्रेट यूरिया 4 times देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा।
क्या बताया है कि ह्यूमन की किडनी है वो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उससे 4 times ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिया प्रोड्यूस कर सकती है। किस प्रकार से? बाय दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो हम बोलेंगे ओवरऑल फंक्शन क्या है इसका। देखिए छोटा सा फंक्शन है, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है इसको कुछ शॉर्टकट लाइंस में बात करते हैं इनकी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका एक काम क्या है, कंसंट्रेट द NaCl इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पहला क्या बताया, इट कंसंट्रेट्स NaCl इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक तो ये है इसका काम, ये क्या इन्होंने, ठीक है। और इसकी हेल्प से इट कॉजेज द वाटर टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड इट कॉजेज द वाटर टू डिफ्यूज आउट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इंटू इंटरस्टीशियल फ्लूइड। देखिए क्या क्या इन्होंने, जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। देखिए यहां पर एक बार दोबारा से, ये कलेक्टिंग डक्ट है और बाहर क्या है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, अब क्या बताया कि बाहर NaCl ज्यादा आ गया है तो इट मीन्स अंदर क्या है, वाटर ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू आप लोगों को पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई वाटर से लो वाटर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बाहर साल्ट ज्यादा है, इस प्रकार से क्या हुआ कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया है और यूरिया है वो कंसंट्रेटेड होता चला गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, यूरिया कंसंट्रेटेड, और इट मींस यूरिया क्या हो गया, यूरिन इज गेटिंग और गैस कंसंट्रेटेड। तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो रहा है, इट मींस यूरिन कैसा है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। हाइपरटोनिक है किससे, टू द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से ये हाइपरटोनिक हो गया है, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी क्लास ऑन काउंटर करंट मैकेनिज्म के किस प्रकार से यूरिया बनता है, यूरिन बनता है, यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है। अल्कोहल क्या करता है, ADH के लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस लेवल ऑफ ADH हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसके लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अब ये हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। इट इसका लेवल क्या होगा, लो, देन इट आल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ वाटर, इट आल्सो लोअर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी क्या कर देगा, कम कर देगा। और इसकी वजह से लॉस ऑफ, देखो वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, इट मींस वाटर लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर, इंक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर। देखिए हमने बताया था रीनल पार्ट में, जो हमने ट्यूबुलर पार्ट बताए थे, यहां पर कलेक्टिंग डक्ट बताई थी, यहां वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन आज क्या हुआ, ADH का लेवल कम हो गया, और ADH का लेवल कम होते ही वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, इट मींस यहां पर क्या पड़ा हुआ है, वाटर ही वाटर है, कहां, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो यूरिन में क्या मिलेगा आपको, यहां वाटर ज्यादा मिलेगा,
ठीक है। तो क्या होगा कि इस दौरान जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है, यूरिन विल बी डाइल्यूटेड मींस मोर वाटर कंटेनिंग यूरिन होगा। इस प्रकार से हमारी बॉडी से अलोंग विद यूरिन पानी का लॉस ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीजेस। इस प्रकार से हमारी बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। तो हम बोल देंगे इसको डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसमें वाटर का लॉस होगा तो एक्सेसिव यूरिन होगी, यूरिन एक्सेसिव यूरिन विल बी पास आउट, ठीक है, अलोंग विद वाटर मीन्स वाटर को ज्यादा लॉस होगा यूरिन के साथ। इस प्रकार से जो बॉडी के अंदर पानी था अल्कोहल की वजह से एडीएच का लेवल कम हुआ, वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम हुआ, वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम हुआ तो क्या हुआ, वाटर लॉस ज्यादा हुआ यूरिन के साथ, तो डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट होगा। और बेटा इस जो कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। वैसे तो डायबिटीज दो टाइप की होती हैं, लेकिन जो एडीएच के लेवल की कमी की वजह से मीन्स एडीएच की कमी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डायबिटीज हुई है, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एडीएच का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, तो यूरिन में वाटर लॉस क्या हुआ, ज्यादा हुआ, वाटर लॉस इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना क्या बताया भाई, डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन जो डायबिटीज मेलिटस होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, और लेकिन हम बात कर रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस की, तो ये क्या होती है भाई, एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास कि भाई किस प्रकार से काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है फिल्ट्रेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, एल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है, ज्यादा यूज करने से अल्कोहल की वजह से एडीएच का लेवल कम होता है और यूरिन जो पास आउट ज्यादा होता है अलोंग विद वाटर डाइल्यूटेड यूरिन आप कह सकते हैं। इस प्रकार से बॉडी के अंदर पानी की कमी होती चली जाती है और हम उसको डिहाइड्रेशन कह देते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।